by using the concept. Oh ho ho! क्या बोल रहा है? By using the concept of equation. By using the concept of equation of a line. Prove that three points this are collinear. देखो बच्चों तीन point है A B C. A क्या है? 3 0. B क्या है? -2 -2. और C क्या है? 8 2. Clear है भाई? ये है A, ये है B और ये है C. कहता आपको शो करना है पॉइंट्स क्या है कोलिनियर. देखो बच्चों कोलिनियर प्रूव करने का तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी होता है. क्या होता है? कि आप ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये वाला डिस्टेंस निकालो और ये वाला डिस्टेंस निकालो. अगर ये डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर क्या हो जाए तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर. पहला किससे होता है? ये डिस्टेंस फॉर्मूले से. किससे? और फिर हम स्लोप से भी कर सकते हैं कि आप दूसरा कि स्लोप किसका निकालो? स्लोप ऑफ ए बी बराबर क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ बी सी. इससे भी हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं. एक और है, कह रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो वही तो बता रहा हूं भाई. एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये वाला डिस्टेंस निकालो, पूरा डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के डिस्टेंस का सम, यहां से यहां तक के डिस्टेंस का सम इसके बराबर होना चाहिए तो कोलिनियर हो जाएगा. दूसरा कि स्लोप ऑफ ए भी निकालो, स्लोप ऑफ बी सी तो हमने किया है. अगर दोनों का स्लोप क्या आता है? बराबर. तो इसका मतलब क्या है? कोलिनियर है. वो बोलते हैं अब आप प्रूफ करो कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है. किसका यूज करके? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. तो बच्चों याद रखना, लाइन कितनी बड़ी मर्जी हो, इतनी सी लाइन की इक्वेशन, उसी लाइन में इतने पार्ट की इक्वेशन निकाल लो, या इतने बड़े पार्ट की इक्वेशन निकाल लो, या उसी लाइन में अगले पार्ट की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन हमेशा सेम आएगी. किसी की लेंथ का उसकी इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब ये एक ही लाइन पे होंगे. एक ही लाइन पे होंगे इसका मतलब ये वाली इक्वेशन बराबर ये वाली इक्वेशन होनी चाहिए. तो इक्वेशन ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ BC निकाल लेते हैं, या इक्वेशन ऑफ AC निकालोगे तो भी वही आएगी. यस सर. नो. लाइन की इक्वेशन, इतने टुकड़े की इक्वेशन निकालो, इतने टुकड़े की इक्वेशन निकालो. अगर ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन में पॉइंट है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी? एक ही सेम आएगी. अरे आया ना? नहीं आई बात समझ में? तो इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन कॉन्सेप्ट से क्या निकालना आपको? इक्वेशन ऑफ किसकी? AB की बराबर होनी चाहिए किसकी? इक्वेशन ऑफ बोलो BC की. अब बताओ कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB? अरे हाँ या ना. ये कोलिनियर प्रूफ करने के तीन तीन तरीके बताए आपको, लेकिन जो बोलेगा वही करना है. ठीक है भैया? तो ठीक है, हम निकालने वाले भाई. गांव वालों देख लो इक्वेशन ऑफ AB. बताना इक्वेशन ऑफ AB कौन सा? टू पॉइंट फॉर्म सीधा लिखेंगे, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू. चलो बता दो क्या होगा. y माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस x1 is equals to y2 minus y1. ध्यान से, y2 minus y1 upon में x2 minus x1. x2 minus x1. Simplify करते हैं, तो y upon में क्या? x minus 3, ऊपर आ गया minus 2, नीचे कितना आ गया? minus का 5, minus minus काट दो. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5y और ये क्या हो जाएगा? 2x minus 6. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये minus 2x and plus 5y and plus 6 equals to 0. हाँ या ना? माइनस कॉमन लेके जीरो से उड़ा दो, अच्छा लगता है. 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर क्या? जीरो. माइनस को जीरो से खत्म कर दो तो 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर जीरो. किसकी इक्वेशन आई है? AB की. अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ किसकी. अगर सेम आ गई तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर. क्योंकि B जो पॉइंट है वो कॉमन है ना भाई. तो ध्यान देना, किसकी इक्वेशन निकालोगे बोलो? इक्वेशन ऑफ BC. कितने पॉइंट से पास करती है BC? दो. अरे हाँ या ना? Yes, तो क्या BC तो गाली भी होती है. तो भाई इसलिए BC देखना आपको ये. चले भाई ध्यान देना, अब तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम BC को क्या देखते हैं. एक दो पॉइंट देखते हैं या
बहुत क्लेवर, बहुत चतुर, पॉइंट देख लो भाई क्या है, इक्वेशन ऑफ बीसी निकालनी है तो दो पॉइंट से पास करती है, इसको एक्स वन वाई वन बोलो, इसको एक्स टू वाई टू, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन क्या है ये रहा, अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, अरे हाँ है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा वाई प्लस टू, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, और ये क्या हो जाएगा टू प्लस टू फोर, और ये कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा, हाँ या ना, इसको काटिएगा तो ध्यान से देखिए, इसको इधर ले आइए, फाइव वाई हो गया और ये दस हो गया, इसको इधर ले आइए तो ये टू एक्स हो गया और ये फोर हो गया, इसको इधर ले आइए तो माइनस टू एक्स हो गया और प्लस का फाइव वाई हो गया, फाइव वाई ये फाइव वाई हो गया, इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा टेन माइनस फोर कितना हो जाएगा प्लस का सिक्स हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस 5y एंड माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और इसको 0 से खत्म कर दीजिए तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्या सेम इक्वेशन आ गई, तो आप लिखोगे क्या फाइनली, इक्वेशन ऑफ ए बी इज सेम एज इक्वेशन ऑफ बी सी, सो ए बी सी आर क्या कॉलिनियर, प्रूफ करने के देखो तीन तीन तरीके हो गए आपके सामने, ठीक है भाई समझ आ गई बात, और भी तरीका है लेकिन हम वो अभी आपको नहीं बता रहे हैं।